नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मैथ्स वॉ में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसी आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी आपको और बेनिफिट उसके अलावा, सैलरी के अलावा क्या क्या मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपना डिफेंस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो क्या इस वीडियो अपलोड करने का यही मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेटेस्ट वैकेंसी का पता नहीं चलता है, तो इस चैनल का प्रयास रहता है कि जो भी लेटेस्ट वैकेंसी हो वो आप तक पहुंचता रहे। तो जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप तक पहुँचता रहे, और साथ में उस बेल को भी दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कोई भी वीडियो चैनल से अपलोड हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से पोस्ट के लिए है, देखिए पोस्ट ये जनरल ड्यूटी के लिए आपको ये वैकेंसी रिलीज करी की गई है। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपका कितनी वैकेंसी है टोटल, आप इसको वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 24 दिसंबर 2017 से इसका वैकेंसी स्टार्ट है, जो कि आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पे जा इसको आप आज जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आप पास होनी चाहिए, मतलब 12th, 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और मैथ्स और फिजिक्स में भी आपको 50% का मार्क्स होना चाहिए आपको, ठीक है। रिलैक्सेशन आपको है SC ST कैंडिडेट के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसका एज की अगर हम बात करें 18 to 22 ईयर्स के लिए एज है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST और OBC कैटेगरी को, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें इन हैंड सैलरी आपको 21,700 आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा, और काफी सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे इसके अलावा, ठीक है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो अच्छा है, आपको सैलरी जो है मैक्सिमम आप 47,600 तक जा सकते हैं। सैलरी प्रमोशन आपका होते रहेगा, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होता है, या फिर एक और प्रोसेस होता है सीनियरिटी बेसिस पे, आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है आपका और जॉब में उसके बेसिस पे भी प्रमोशन इसका होता है। अगर हम अदर बेनिफिट की बात करें तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स है इसमें, आपको फूड एकोमोडेशन मिलता है, फूड मिलता है फूडिंग का, और क्लोथिंग का मिलता है इसमें, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है आपको, और उसके बाद 45 डेज का आपको जो है लीव मिलता है, उसके बाद CL भी मिलता है इसमें, और LTC मतलब कि ट्रैवल के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है पैसे, पेरेंट्स के साथ आप कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। पेंशन स्कीम आपको पता ही है कि डिफेंस लाइन में है, कैंटीन आपको मिलेगा, लोन फैसिलिटी, बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज आपको बेनिफिट सैलरी के अलावा भी मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप जब अप्लाई करिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक बता दूँ आपको, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहले आपका, जो कि February to March 2018 के बीच में इसको आपको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, और जिस भी कैंडिडेट को जो कट ऑफ फिक्स होगा, जो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें रिटन एग्जाम की, तो आप देख लीजिए 12th तक का सिलेबस आपको इसमें कवर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी सिलेबस इसमें है आपको। ये सब आपको डिटेल नहीं दिया गया, बस इतना बताया गया कि ये सब सिलेबस है एग्जाम का, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर लेंगे दोनों एग्जाम को, उसके बाद उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, ये अगस्त 2018 में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, INS शिल्का में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑन सी पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि शिप पे सी में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा ना रहे ट्रेनिंग के वक्त, तो आपको उसके डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, ऐसे ही कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। थैंक यू।